कंगना रनौत फिर से मुंबई में आई है और हम एनसीबी से पूछना चाहते हैं कि आप बहुत सारी जांच कर रहे हो बॉलीवुड कनेक्शन के बारे में, ड्रग कनेक्शन के बारे में, कुछ निर्माताओं को बुला रहे हो, कुछ कलाकारों को बुला रहे हो, कलाकारों के पास कोई दवाई भी होगी तभी भी आप उनको जांच के लिए बुला रहे हो, दूसरी ओर ऐसे वीडियो खंगाल रहे हो जो उसका जिसकी फडणवीस सरकार ने भी जिसकी जांच करने के लिए कोशिश नहीं की। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि कंगना रनौत का खुद का एक वीडियो है जिसमें वो कह रही है कि मैं ड्रग लेती थी, तो उसके ड्रग कनेक्शन क्या थे, इसकी बात जांच कौन करेगा? अध्ययन सुमन ने खुद कहा है कि वो ड्रग लेने के लिए उसको वो जबरदस्ती करती थी, तो ये वीडियो एविडेंस की जांच क्यों नहीं हो रही? अब कब आप बुलाओगे उसको इसकी जांच के लिए, इसका भी जवाब उनको देना पड़ेगा। बॉलीवुड को पूरी तरह से दहशतगर्दी के माहौल में रखा हुआ है आपने, तो इसकी जांच क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब दो। दूसरी ओर कंगना के पास बहुत सारी जानकारी थी ड्रग माफियाओं के बारे में, ऐसा उसने कहा था, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी राजनीति की, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के ऊपर ये आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार कुछ छुपाना चाहती है, इसके लिए उसको ये करने नहीं दे रही है जांच की जो मांग कर रहे थे कि ये जो जानकारी है वो एनसीबी को देने नहीं दे रहे हैं लोग। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी भी उसने वो जानकारी नहीं दी, राम कदम जी जिसको वो झांसी की रानी कह रहे थे वो कब उसको रिक्वेस्ट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता कब रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जानकारी वो दो, कि किसी भी अपराध की जानकारी छुपाना ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। तो महाराष्ट्र की जनता का इन्होंने जो अवमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो इसके पीछे थे कंगना से जो स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रही थी कंगना बोल रही थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी, इसके लिए महाराष्ट्र की जनता की माफ़ी भारतीय जनता पार्टी के नेता मांगे, ऐसी मांग हम रखते हैं।